तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम कुछ कोल्ड ड्रिंक आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, ये हमने कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर डाल ली है। और ये सिंपली हमारी मैगी होती है जो दो मिनट में बन जाती है। आपने पिछली वीडियो देखा जिसमें हमने डेयरी मिल्क और मैगी को एक साथ करके टेस्ट किया था, तो काफ़ी वो कमेंट आया कि कोल्ड ड्रिंक भी डाल के देखो। तो आज हम ऐसी सीरीजें चल रही है हमारी, जोलो चिप की या डेयरी मिल्क की, अब ये कोल्ड ड्रिंक का। तो सिंपली हम क्या करने वाले, मैगी डाल देंगे, मैगी का मसाला डाल देंगे, पर पानी की जगह ये कोल्ड ड्रिंक डालने वाले। तो अभी इसमें इसका ये करके डाल देते और जल्दी से मसाला डाल देते इसका, मैगी का। इसमें बची है थोड़ी, और अब इसमें जाएगी कोल्ड ड्रिंक। ये देखो, ओ भाई साहब, ये देखो इतनी काफ़ी हो जाएगी मेरे हिसाब से। और इसको पूरा छाज आ गया इसके ऊपर, और डाल देता हूँ। और इसका टेस्ट कैसे होने वाला है वो देखने वाले है। A few moments later. तो गाइस फाइनली हमारी मैगी पक चुकी है, अभी गैस को बंद कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हो इसको निकाल लेते हैं और अभी टेस्ट की बारी है। तो अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ, उसको खा के ही देखने वाला हूँ। मैगी का कलर ही अलग हो गया है यार ये। अलग ही फ्लेवर है यार, रुको, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, पर जैसे मिठाई लग रहा है। मीठा मतलब वो दही रहता है ना, दही में जब शक्कर डालते थोड़ा, वो ऐसा लगता है ना, वैसा लग रहा है, लस्सी जैसा। ओ भाई, खट्टा मीठा अलग ही फ्लेवर है। इतना भी बुरा नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मैगी बनती है ना वैसे ही बनाया करो, इसमें है ना वो ऐसा टेस्ट नहीं है। और मैं ही बोलना चाहता हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।